प्रोडक्ट फोकस जो है दैट इज बेसिकली इट हैज़ वेरी हाई वॉल्यूम एंड लो वायटी प्रोडक्ट फोकस इज बेसिकली फैसिलिटी जो है इज ऑर्गनाइज अराउंड अ प्रोडक्ट शुगर मिल है शुगर प्रोड्यूस करनी है तो शुगर ही प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से फैसिलिटी बनाई हुई है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंटीन्यूस प्रोडक्शन कंटीन्यूस फ्लो ये डिफरेंट नाम है जो कि इसको दिया जाता है एंड इट इज़ एफिशिएंट प्रोसेस रीजन बीइंग के आपके पास वॉल्यूम बहुत हाई है और उसकी वजह से जो इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल आप अचीव कर रहे होते हैं और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है हाई फिक्स कॉस्ट होती है बट क्योंकि वॉल्यूम हाई होता है तो वो फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होकर उसकी पर यूनिट कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो जाती है लो वेरिएबल कॉस्ट होती है क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो इतने हाईली स्किल्ड वर्कर्स नहीं होते जितने प्रोसेस फोकस्ड के अंदर थे तो इसके बट न... जो इक्विपमेंट है वो बहुत कैपिटल uh, इंटेंसिव uh, आप इसको कह सकते हैं नॉट लेबर इंटेंसिव ऑटोमेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यू कैन ब्रिंग इन ऑटोमेशन इन इट और उसकी वजह से आपके इक्विपमेंट uh, के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो जाती है और उसकी वजह से यू कैन से कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट हाई होगी और वो uh, आपके फिक्स कॉस्ट के तौर पर ओवरहेड के तौर पर हाई फिक्स कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करती है और उसके लिए यू नीड इवन दो डिमांड इतनी हाई नहीं हो है लेकिन यू नीड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटी सो दैट जैसे मैंने कहा इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें तो होता क्या है इस काइंड ऑफ स्ट्रेटी के अंदर कि आप प्रोड्यूस करते हो और उसको फिर स्टोर करते हो सो so दैट जो मार्केट की डिमांड है वो आप इन्वेंट्रीज के थ्रू बिल्डअप मीट कर रहे होते हैं तो आप इन्वेंट्री बिल्डअप करते हो और मार्केट डिमांड उसके थ्रू मीट करते हैं तो उसकी वजह से या यू कैन Uh, आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है ऑटोमेशन इसके अंदर जैसे मैंने कहा होती है लेकिन जो आपका वर्कर uh, है वो इट इज़ लेस स्किल्ड वर्कर इसकी रिक्वायरमेंट इतने हाई स्किल्ड वर्कर की नहीं होती जितनी हमारी प्रोसेस फोकस uh, के अंदर होती है अगर uh, हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो लेट पोटैटो चिप मैनुफेक्चरिंग प्लांट दैट इज बेसिकली योर प्रोडक्ट फोकस प्लांट इस प्लांट के ऊपर सिर्फ पोटैटो चिप्स ही प्रोड्यूस हो सकेंगे और कुछ नहीं हो सकेगा वैरायटी जो आएगी वो उसके वॉल्यूम या पैकिंग के अंदर वैरायटी आएगी नॉट वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा ज़्यादा से ज़्यादा मसाला वगैरह चेंज कर कर उसका हम डिफरेंट नाम के पोटैटो चिप ऑफर कर देंगे एक है से सिर्फ सॉल्टी है एक है मसाला है एक है आजकल बड़े डिफरेंट नाम के आ रहे हैं तो वो चीज़ें डालकर उसके अंदर क्या है कि आपने इनपुट जो है वो आपने डाली हैं जिसकी वजह से ये चेंज आ रही है फॉर एग्जांपल सीजनिंग आप डिफरेंट सीजनिंग डाल देंगे तो वो डिफरेंट नाम का प्रोडक्ट आ जाएगा बट एज सच उसके अंदर कोई ख़ास चेंज नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल इसके इसमें कॉर्न है पोटैटोज़ हैं वाटर है सीजनिंग है ये इनपुट्स हैं और इसको हमने सिस्टम के अंदर डाला है और उधर से आपने कई डिफरेंट ये प्रोडक्ट बट नॉट प्रोडक्ट एज सच प्रोडक्ट तो वही है पोटैटो चिप्स ही हैं लेकिन यस yes, सीजनिंग की वजह से उनका वो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा वेरिएशन साइज में हो जाएगा आप शेप उसकी डिफरेंट निकाल सकते हो पैकेजिंग आप उसकी डिफरेंट कर सकते हो शेप के अंदर कोई वेवी है और कोई वो प्लेन है तो वो इस हिसाब से यू कैन कम अप विद डिफरेंट वैरायटी बट ऑफ सेम प्रोडक्ट